स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोग भी उस दिन उस रैली पर शिरकत करें, अपना पारंपरिक जो धरोहर है उनके साथ, अपना पंची पढ़ाट के साथ, और इसमें शिरकत करके अपने आप भी संथाल परगना स्थापना दिवस मनाने के आपका भी सौभाग्य बने। संथाल परगना स्थापना दिवस दो तीस करना एसपी कॉलेज सहराय परब तीस मनाव हुई लगे 22 डिसेम्बर अकय दिशाते गालोच आखड़ा तैयार करना छात्र नेता सेमदेव हेम्रम और राजीव बास्के चेत किन मेन कदा जोता कथा बन बड़ा जो 22 दिसंबर मनाएंगे उसमें पूरा धूमधाम के साथ जोहर गति को बीच पड़ा सर अब गति बाबू यूट्यूब चाहे जो हिस्सा गुण दारा पे जहाँ को नाचल सत्य जोड़ा मेरा उनको सही सही चल पे और जहाँ को नीत बम जोड़ा करना उनको अड़दास नर लतारे सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब बटन उतर करते चैनल सत्य जोड़ा बताऊँ पे जो संथाल परगना का स्थापना दिवस मनाने का शुरुआत किए हैं। चलो तो बेबन आजम काड़ाई कर संथाल परगना स्थापना दिवस एसपी कॉलेज सहराय परब और स्थापना दिवस 22 दिसंबर चेद लगे मना हुई और अकय दिशा मना हुई सेमदेव हेम्रम मुचाद बन आजम का झारखंड जिसके नाम से झारखंड का नामकरण किया गया है बिरसा मुंडा के मूर्ति पे हम लोग पर माल्यार्पण करने के बाद उस दिन सभी जितने भी हमारे साथी लोग अपना पारंपरिक जो पहनावा है पंची लुंगी के साथ और अपना हथियार जो हथियार है तीर धनुष नगाड़ा बरछा सारों के साथ हम लोग उस दिन पूरा अपना रैली के माध्यम से हम लोग उस दिन आएंगे पूरा मेन बाजार होते हुए सिद्धो कानू का मूर्ति में मल्यार्पण करेंगे, फूलो झानों के यहाँ मल्यार्पण करेंगे और हमारा लाल बाबा के यहाँ आकर के हम लोग मल्यार्पण करने के बाद समापन इसका सभा में तब्दील हो जाएगा पूरा धूम के साथ। और इसी के साथ आप लोगों के माध्यम से 22 दिसंबर को तमाम सामाजिक संगठन जितने भी है संथाल परगना के अधीन या विभिन्न सामाजिक संगठन हो चाहे वो मंझी संगठन हो आपका मुखिया संगठन हो जिला परिषद संगठन हो या विभिन्न सामाजिक संगठन हो तमाम लोगों को हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग भी उस दिन संथाल परगना स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोग भी उस दिन उस रैली पर शिरकत करें, अपना पारंपरिक जो धरोहर है उनके साथ, अपना पंची पढ़ाट के साथ, और इसमें शिरकत करके अपने आप भी संथाल परगना स्थापना दिवस मनाने के आपका भी सौभाग्य बने। इनके साथ साथ हम तमाम लोगों को भी आमंत्रित करना चाहते हैं जिस तरह से हम लोगों ने हर साल की भांति एसपी कॉलेज के प्रांगण में विराट दिसम सोराय के नाम से विख्यात हमारे एसपी कॉलेज के प्रांगण में 8 जनवरी को जो मनाने वाला सोराय में उस वह सोराय पे भी सिर्फ उस दिन भी यही पे एसपी कॉलेज के प्रांगण में ही नाच गान होता है। इस बार इस तरह नहीं इस बार भी एसपी महिला कॉलेज के प्रांगण से हमारा नाच गान शुरू होगा और उस नाच गान में तमाम सामाजिक और हमारे समाज के एक एक रुचिका लोगों को सभी सामाजिक लोगों को मैं हम लोग आमंत्रित करते हूँ। सोहराय पर्व में भी आप लोग आए अपना पारंपरिक पंची पहाड़ बांध करके नगाड़ा ढोल नगाड़ा लाकर आकर के आपका जितना भी नचोनीय मंडली है सारे लोग को लेकर आइए और महिला कॉलेज के से 10 बजे से हम लोग का पूरा रोड में एकदम हम लोग नाचते गाते हुए एकदम डुबडी बजाते हुए अपना एसपी कॉलेज में आकर के हम लोग धूमर जा करेंगे और यहाँ पे जितने भी हमारे पूजा पद्धति सारा है कि हमारे जो पौराणिक गुरु आपका मंझी बाबा है वो सारा पूजा पाठ करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जो पारंपरिक आदिवासियों का जो पहचान होता है वो हमारा धरोहर वो जो हमारा पंची पराठ है उसको पहनने के बाद हम उनको एंट्री करने देंगे अन्यथा फिर नहीं तो आपके साथ हम लोग आपको रोक देंगे गेट में। ये हमारे वहां पे वॉलंटियर रहेंगे जिसके शरीर में पंची पराठ रहेगा वही इस सोराय में शिकायत करेंगे। हम लोग इसी को आज आप लोगों के माध्यम से सारे लोगों को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आप भी अभी से अपना तैयारी सोराय के लिए करें और 22 दिसंबर के लिए आप अपना तैयारी कर शुरू कर दें और उस दिन आपका निमंत्रण आप सारे लोग का आने का सारे लोग का हम लोग छात्रों नेता राजीव बास्किया कथा बोन आजम का सारे लोगों के लिए ये हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा और हमारे जितने भी आदिवासी भाई है या फिर झारखंड वासी या फिर जो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे जितने भी लोग हैं सारे लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त होगा कि इस तरह का हमारा जो पंची पढ़ाट है हमारा जो पहनावा है उनको भी अच्छा लगेगा और हमको लगता है कि सभी लोगों को लेकर के आना चाहिए और सबको पहन करके आना चाहिए ताकि यहाँ का एक माहौल बरकरार हो। और ये जो सोहराय है ये एक बृहद पैमाने पर लोग देश विदेशों में समझे जाने क्योंकि ये हमारा संथाल आदिवासियों का एक बहुत बड़ा पर्व है। ये एक हाथी से जो बड़ा जानवर होता है उसे तुलना किया जाता है
बहने इसमें जो गाना गाती है उसमें एक शब्द है, उसमें एक वर्ड है, उसमें एक लाइन है कि यदि रस्सी होता तो इस त्योहार को हम लोग बांध के रखते थे, क्योंकि तो इतना ही उमंग होता है इस त्योहार में कि लोग झूम उठते हैं। तो हम लोग यहाँ से मनाने के बाद अपने अपने घर की ओर जाएंगे। मैं सभी सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस त्योहार में, इस बड़ा हाथी जैसा त्यौहार जो है दिसम सोहराय पर्व, इस संथाल परगना महाविद्यालय के प्रांगण में जो हम लोग आयोजित करते हैं, सभी को, पूरे देशवासियों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग भी इसका सहभागिता बनिए और यहाँ का जो भव्य तरीके से जो सोहराय पर्व हम लोग मनाते हैं इसका आप लोग भी आनंद उठाइए। क्योंकि इस बार का जो रूपरेखा है हम लोगों ने बृहद पैमाने पर तय किया है ताकि लोग इसको जाने बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारे इतनी बड़ी कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है जिससे सुरक्षा कई तरह का जो है व्यवस्था रहता है यहाँ पे। तो हम लोग इस बार जो है रैली तो हम लोगों ने कई बार किया, लेकिन इस बार इसको जो है बृहद पैमाने पे हम लोग सोच रहे हैं, नहीं सोच रही है कि इसको हम लोग निर्णय ले चुके हैं। आपका बिरसा मुंडा चौक, आपका जो महिला कॉलेज चौक है, वहां से पूरे बाजार होते हुए हम लोग नाच गान करते हुए अपना मांदर और दुगदुगी लेकर के बजाते हुए नाचते हुए जो है हम लोग एसपी कॉलेज संथाल परगना महाविद्यालय के प्रांगण में हम लोग आएंगे। यहाँ पे सारे लोग खुशी के साथ अपना खुशी इजहार करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रसादी होता है सभी लोगों के लिए खुला मंच से सभी लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। सभी लोग आए क्योंकि आज का जो बैठक थी ये दो मुद्दा को लेकर के थी। आज हमारा ये सोहराय पर्व जो 2024 आने वाला 2024 में 8 जनवरी को मनाया जाएगा, और एक था हम लोगों का 22 दिसंबर जो स्थापना दिवस है, जिसमें हम लोग सारे शहीदों को, अमर शहीदों को हम लोग याद करेंगे बृहद पैमाने पर। क्योंकि आज तक संथाल परगना स्थापना दिवस जिसको हम लोग 1855 से हम लोग को यहाँ मिला है, हमारा अमर शहीद कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, कितने लोगों ने उस पर खून बहाए हैं, उन सभी शहीदों को हम लोग याद करेंगे ताकि आने वाला समय में हम लोग उन लोगों को कुछ यादगार चीज रख पाए ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है उसको जान सके, समझ सके। और इस तरह का आज जो हम लोग गर्व महसूस करते हैं, जाति के नाम पे हमारा एक धरती, ये संथाल परगना धरती नामकरण हुआ है संथाल परगना, जिससे हमें बहुत गर्व महसूस होती है और इसको हम लोग बृहद पैमाने पे हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर भी हम लोगों ने रैली करने का आयोजन कार्यक्रम किया हुआ है, उसमें भी हम लोग बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम का आयोजन करने का जय जोहार।